अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स की कि हम जो है ना गूगल क्रोम को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लिनक्स में जो है ना फायरफॉक्स होता है ये वाला, लेकिन फायरफॉक्स में जब हम प्रिंट निकालते हैं तो कभी कभार ये होता है कि प्रिंट जो है ना 10-12 एटम्स जो है ना वो प्रिंट कर लेते लेकिन बाकी नहीं। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है कि आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करें। और इसमें फ़ायदा मतलब हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सिस्टम में दो ब्राउज़र जो है ना होना चाहिए। दो ब्राउज़र का फ़ायदा ये है कि आप एक ब्राउज़र से गूगल क्रोम मतलब जो आपका स्टोर इंचार्ज की आईडी है जहाँ पे आप डिमांड वगैरह कर सकते हैं वो उस पे कर ले, जैसे कि मैंने इस वीडियो बनाई है कि डिफरेंट ब्राउज़र से क्या कम किस तरह कर सकते हैं कि एक साथ पे हम डिमांड भी कर ले और काउंटर भी क्रॉस कर लें, वो वीडियोज़ भी इस चैनल पर पड़ी है। तो दो ब्राउज़र यूज़ कर ले आप। मैं बिल्कुल आज जो है ना आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास जो है ना ऑलरेडी गूगल क्रोम इंस्टॉल है तो वो कमेंट्स करके कह दे कि हमारे पास इंस्टॉल है। जिनके पास नहीं है और वो इंस्टॉल हो जाए तो वो कह दे कि मैंने बिल्कुल इंस्टॉल कर दिया। और जिनके पास मसला आ रहे तो बिल्कुल वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर ले, हम उसको इंशाल्लाह ये मसले सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप जो है ना इस वीडियो की लाइक भी कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो स्टोर रिलेटेड जितनी भी है वो इंशाल्लाह हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चलो चलते हैं। स्टार्ट में आपने क्या करना है मैं आपको बताता चलूँ। आपका जो POS है, अगर आप इम्पेलिस पे चल रहे हैं, इम्पेलिस पे, तो इम्पेलिस पे आप गूगल क्रोम को एक्सेस नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो या लैपटॉप PC से भी कर सकते हो। आपने फर्स्ट टाइम आपने इंटरनेट को यूज़ करना है, ठीक है? तो दो तरीके, दो मेथड मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो में। पहला जो है आपने लिखना है डाउनलोड डाउनलोड गूगल क्रोम फॉर यूबंटू, ये लिखना है आपने, ठीक है? और ये इस पे क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जैसे कि ये लिंक, ये आपके डिस्क्रिप्शन में होगा। आपने जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है नीचे, ठीक है? जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे, इस पेज पे, जब इसी पेज पे, ठीक है? फर्स्ट मेथड ये है कि आप जस्ट जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप, जैसे कि मैंने अभी लिखा हाउ टू मतलब डाउनलोड गूगल क्रोम फॉर यूबंटू, लेकिन जब मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट इधर आ गया। आप लोगों ने जस्ट लिंक पे क्लिक करना है फर्स्ट मेथड, ठीक है? और आपने इस डाउनलोड पे क्लिक करना है, इस पे जब आप क्लिक करें तो एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल इस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है? और इसको फिर सेव करना है, ओके करना है, सेव करना है। ये आपके पास तकरीबन 79 MB की फाइल होती है या 86 वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है? तो एक मेथड ये हो गया। कभी कभार अगर आपके पास ये मसला कर रहा हो, आपसे नहीं हो रहा, तो मेरा जो ना आपके पास दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, ये एक नीचे दूसरा लिंक होगा जिसको मैंने लिखा होगा गूगल ड्राइव लिंक। इसलिए मैं ये तो मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपने जस्ट उधर क्लिक करना है, आपने जस्ट क्लिक करना है इस पे। जब आप इस पे क्लिक करें तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाते हैं, इस पेज पे, ब्लैक वाले पे, ठीक है? ब्लैक वाले पे आपके पास आता है डाउनलोड, तो आपने जस्ट इस डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है? जब आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो डाउनलोड एनीवे, वो फाइल जो मैंने मतलब लिख के डाउनलोड करने की कोशिश की, ये वाला, ठीक है? डाउनलोड हो रही है, तो मैंने गूगल ड्राइव पे भी ये पढ़ा है। जब मैं इसको ओके कर लूँ तो ये भी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। आप देख लें, एक डाउनलोड हो रहा है, दूसरा भी डाउनलोड हो रहा है। तो दो मेथड है, एक आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू या डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आपने अगर ये काम कर दिया, चूँकि आपके POS इम्पेलिस पे चल रहे हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो आपके पास एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाए, अगर आपके POS में हो गई तो POS में आपके पास डाउनलोड में पड़ा होगा, और अगर आपने मोबाइल में किया तो मोबाइल में आपके पास इस तरह का एक फाइल डाउनलोड हुआ होगा, इस तरह का, ठीक है? तो इसको आपने कॉपी करना है और केबल के थ्रू या USB में डाल के आप पॉइंट ऑफ सेल में पेस्ट कर लें। जब आप इसको पेस्ट कर लें तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अगर इधर एक मसला होता है, अगर इधर आपके पास ये टाइम ले रहा हो ज़्यादा, मतलब 2-3-4 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट, ठीक है, और ये इंस्टॉल का ऑप्शन ना हो, तो आप एक दफ़ा पॉइंट ऑफ सेल को रीस्टार्ट कर ले, मतलब इसको दोबारा रीस्टार्ट कर ले और फिर ट्राई कर ले, डायरेक्ट इस पे आ जाए और क्लिक करें। तो फिर जब कि आपके पास इंस्टॉल आता है, इंस्टॉल, मैं इस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा, इधर में मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो आपने बाई डिफॉल्ट आपका POS का जो पासवर्ड होता है 1-2-3-4-5-6-7-8-9 वो लिखना है, ठीक है? वो लिखने के बाद आपने
इस ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दें, तो अभी आप देख लेंगे ये मेरे पास इंस्टॉल हो रही है, 20% हो गया। तो आप थोड़ा सा वेट कर ले इसके लिए, जो ही ये कंप्लीट हो जाए ना तो फिर मैं क्या कर दे मैंने आपको बताना है, ठीक है। जब ये रिमूव का ऑप्शन आ जाए, इट्स मीन कि आपके पास गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये बार आपके पास मोस्टली पीओएस पे इधर होता है, मोस्टली पीओएस पे इस साइड पे होता है। अगर इधर आपके पास ये नहीं आ रहा, ठीक है, मैं रिमूव फ्रॉम प्रायोरिटी कर रहा हूँ, इधर आपके पास अगर नहीं आ रहा तो आपने ये 9 डॉट्स पे क्लिक करके इसको आपने इस पे इसको पकड़ ला, इस तरह आपका जो लेफ्ट वो होता है ना, या मतलब आपने टच के साथ पकड़ के इधर इसको इधर लाना है, इधर, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो मेरे पास तो लैपटॉप है, मेरे पास नहीं आ रहा, मैं आप इस तरह करेंगे, ठीक है, इस तरह लाएंगे, लेकिन मैं जो ला रहा हूँ मैं दूसरे तरीके से ला रहा हूँ, इस तरह, ठीक है, ए टू प्योर, तो मेरे पास इधर आ गया। तो ये थी, इस पर क्लिक करके फिर आप जो है ना आप जिस तरह की आपकी फंक्शनलिटी, आप अपना ब्राउज़र यूज़ कर ले, प्रिंटर का ऑप्शन भी जो वो जो है ना प्रिंट के ऑप्शन में भी मसला नहीं होगा, और आपके पास सही तरीके से होगा। कमेंट ज़रूर कर ले, कोई मसला हो तब भी कमेंट्स कर ले, लेकिन गूगल क्रोम आपने ज़रूर इंस्टॉल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।